सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल चैनल को और ये बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट जीएसटी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी पीएमटी 07 फॉर्म के रिलेटेड। काफी लोगों की ये क्वेरीज मेरे पास आ रही थी कमेंट में, और मेरे को ईमेल्स मिल रही थी कि सर, मैंने अपना बैंक से जो है जीएसटी का पेमेंट तो कर दिया है, और बैंक से वो पैसा डिडक्ट भी हो गया, डेबिट भी हो गया, लेकिन हम लोगों के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। तो अब हम लोग क्या करें? क्या हम लोग उसको दोबारा से पे करें, या उसका हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इसी से रिलेटेड आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं, और मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं और आपके लिए क्या सही रहेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आपको जीएसटी पीएमटी 07 से रिलेटेड अच्छे से समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जीएसटी पीएमटी 07 बैंक से पैसा कटने के बाद भी कैश लेजर अपडेट नहीं हुआ तो क्या करें? इसका आज मैं आपको आंसर देने वाला हूं। वीडियो पे आगे चलने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अभी आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप आगे चल के वीडियो की भावनाओं में खो जाएंगे और आप लाइक नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अभी एक लाइक बटन दबा करके इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अब मैं चलता हूं पोर्टल पे, और मैं आपको दिखाता हूं कि आपको क्या करना है और क्या आपको ध्यान में रखनी है बातें, अगर आपके बैंक से पैसा कट चुका है लेकिन आपके कैश लेजर में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो कैश लेजर देखने के लिए आप यहां पर देख पाते हैं, लेजर्स के अंदर कैश लेजर आपको दिखाता है। सपोज करते हैं आज आपने कोई पेमेंट किया और वो पेमेंट आपके कैश लेजर में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। कैश लेजर जो है वो आप सर्विसेज के अंदर लेजर्स में जा करके यहाँ पर आप फ्रॉम डेट टू डेट आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आपका डेट ऑफ पेमेंट होगा उस डेट का रेंज आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ डिपॉजिट, टाइम ऑफ डिपॉजिट, रिपोर्टिंग डेट, रेफरेंस नंबर, टैक्स पीरियड वगैरह वगैरह डिटेल्स आ जाएंगी। अगर आपने पेमेंट कर दिया लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है? आपको जाना है सर्विसेज के अंदर, सर्विसेज में पेमेंट्स, पेमेंट्स के अंदर चलान हिस्ट्री। जो मैं स्टेप बता रहा हूँ इसी स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो परेशानी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसमें आप देख पा रहे हैं, जैसे ही आपने चलान क्रिएट किया होगा तो एक सी पिन जनरेट हो जाती है जो कि 15 डेज तक के लिए वैलिड होती है, चाहे वो पेमेंट हो जाए चाहे वो पेमेंट ना हो। अगर पेमेंट हो गया तब तो कोई इशू ही नहीं है, अगर वो पेमेंट नहीं होता है तो वो 15 दिन के लिए एक्टिव रहती है, वैलिड रहती है। तो अब जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर डिपॉजिट स्टेटस अभी तो हमारा पेड दिखा रहा है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर जो है चलान तो जनरेट हो जाता है, सी पिन जनरेट हो जाता है, हम लोगों का बैंक से भी पैसा कट जाता है और यहाँ पे दिखाता है नॉट पेड। उस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? तो वैसे सिचुएशन के लिए आपको दो तीन चीज ध्यान रखना है। आपको अपना सी पिन नोट कर लेना है और डेट ऑफ पेमेंट नोट कर लेना है अलोंग विथ जीएसटी नंबर। ये सारा कुछ नोट करके आप रख लीजिए और 24 घंटे का वेट कीजिए। अगर 24 घंटे के अंदर यहाँ पर स्टेटस चेंज नहीं होता है, नॉट पेड से पेड का स्टेटस चेंज नहीं अगर होता है तो आपको क्या करना है? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इफ अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम बैंक अकाउंट एंड नॉट रिफ्लेक्टेड इन ईसीएल इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, प्लीज रेज ग्रीवेंसेस अंडर ग्रीवेंस टाइप, ग्रीवेंस अगेंस्ट पेमेंट। तो आप यहाँ पर एक ग्रीवेंस का पोर्टल है, इसको आप लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर आपको देख रहे हैं सबमिट ग्रीवेंसेस एंड इंक्वायर स्टेटस। यहाँ पर आप करेंगे ग्रीवेंसेस टाइप, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के लिए चार ऑप्शन मिलेंगे, कंप्लेन अगेंस्ट ग्रीवेंस रिलेटिंग टू प्रोसेस, कंप्लेन अगेंस्ट रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, ग्रीवेंस अगेंस्ट लेजर्स और रजिस्टर, ग्रीवेंस अगेंस्ट पेमेंट जीएसटी पीएमटी 07। इस वाले ऑप्शन को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रीवियस ग्रीवेंस नंबर के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपने पिछले में भी कोई ग्रीवेंस लॉज किया हुआ है जिसका कोई रिप्लाई नहीं आया तो आप यहाँ पर अपना प्रीवियस ग्रीवेंस नंबर कोट कर सकते हैं। स्टेट वगैरह जो है ये आपको लॉग इन करके करना है, तो आपका स्टेट, जीएसटी नंबर वगैरह जो है ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है यहाँ पर। उसके बाद है ग्रीवेंस रिलेटेड टू अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट, कैश लेजर नॉट अपडेटेड। आपके बैंक से पैसा कट गया लेकिन कैश लेजर अपडेट नहीं हुआ, तब आप ये सिलेक्ट करेंगे
और अगर NEFT RTGS रिलेटेड इश्यूज है तो आप दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम बैंक एंड कैश लेजर नॉट अपडेटेड। उसके बाद कुछ डिटेल्स है ऑफ टैक्स पेयर्स, वो डिटेल्स आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर दी जाएंगी। नेम ऑफ कंप्लेनेंट पे आप यहाँ पर अपना नाम डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह दिया हुआ है, ईमेल आईडी वगैरह सारी कुछ दी हुई है यहाँ पे। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रीवेंसेस। डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रीवेंसेस में आपको सिर्फ ये मेंशन करना है कि अमाउंट डेबिट हो चुका है और जो है कैश लेजर अपडेट नहीं हुआ है। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप अपना बैंक स्टेटमेंट का एक स्कैन करके यहाँ पर लगा सकते हैं, उसको हाईलाइट करते हुए कि ये ट्रांजेक्शन जो है ये डेबिट हो गया लेकिन अपडेट नहीं हुआ है। उसके बाद है डिस्क्रिपेंसी एंड पेमेंट। यहाँ पर आपको जो सी पिन नोट किया था आपने, उस सी पिन को यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे और उसके बाद साइन विद ऑथोराइज्ड पैन करके अपना जो पैन नंबर है, जो ऑथोराइज सिग्नेटरी है, उसका EBC से आप ये सबमिट कर सकते हैं। और इसके सबमिट करने के विद इन 24 आवर्स आपका जो भी होगा, अगर तो वो पैसा कट गया होगा तो वो रिफंड आ जाएगा, नहीं तो आपके कैश लेजर में वो अपडेट हो जाएगा। लेकिन इसको फाइल करने से पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जिस समय आपने पेमेंट किया उसके 24 घंटे के बाद ही आप ये ग्रीवांस लॉन्च कर पाएंगे। 24 घंटे आपको वेट करना होगा कि अगर 24 घंटे में वो स्क्रॉल के थ्रू अपडेट हो जाता है तब तो कोई इशू नहीं है, अन्यथा आप GST PFT 07 फाइल कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो का यही एंड करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये क्विक वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके काफी सारे कंफ्यूजन दूर हो गई होंगी कि हम लोगों को क्या आगे करना है अगर हमारा पेमेंट कट गया और अपडेट नहीं हुआ है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।